नमस्कार दोस्तों, बोल्ड स्काई में आपका स्वागत है। भारत में गोल्ड की माइनिंग इतनी ज्यादा नहीं होती, लेकिन हमारा देश इसके खपत के मामले में टॉप लिस्ट में शुमार है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिलिंग ने जनवरी 2023 में एक रिपोर्ट जारी की, जिसके मुताबिक साल 2021 में इंडिया ने 611 टन सोना खरीद, वहीं चीन ने इसी पीरियड में 673 टन सोना गोल्ड परचेज किया था। इस हिसाब से हिंदुस्तान दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गोल्ड कंज्यूमर है। शादी और पार्टी से लेकर डेली लाइफ में सोने की ज्वेलरी का इस्तेमाल लगातार किया जाता है। आमतौर पर शादी के वक्त सबसे ज्यादा गोल्ड ज्वेलरी बनवाई जाती है, लेकिन कई साल के इस्तेमाल के बाद इसमें मैल जमा हो जाता है या फिर वक्त के साथ इसकी चमक फीकी हो जाती है, फिर इसे पहनने में हिचकिचाहट होती है। अगर आप भी सोने के हार, कंगन, झुमके और अंगूठी में नए जैसी चमक लाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको सोनार के पास जाने की जरूरत नहीं है, घर में ही इसका देसी जुगाड़ मौजूद है। टूथपेस्ट का करें इस्तेमाल। टूथपेस्ट का इस्तेमाल आप दांतों को साफ करने के लिए करते होंगे, लेकिन इसका यूज ज्वेलरी को क्लीन करने के लिए भी कर सकते हैं। इसके लिए कटोरी में टूथपेस्ट और पानी की कुछ बूंदों को मिक्स करके पतला पेस्ट तैयार करें। अब किसी मुलायम ब्रश की मदद से ज्वेलरी को साफ करें और फिर धो लें। इसके साथ ही डिश सोप की मदद लें। गोल्ड ज्वेलरी को साफ करने के लिए सबसे पहले एक कटोरे में गर्म पानी डालें और इसमें लिक्विड डिटर्जेंट मिक्स कर लें। अब इसमें मैले गहने को डालकर रख दें और फिर साफ ब्रश की मदद से साफ कर ले। आखिर में ज्वेलरी को साफ पानी से धो ले, इसके बाद नरम कपड़े से पोंछ ले। सोने के गहने को साफ करने के लिए भूलकर भी ब्लीच का इस्तेमाल ना करें, इससे ज्वेलरी का रंग उतरता है। और गोल्ड से बनी चीजों को अलग अलग रखें, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो इसमें स्क्रैच पड़ने का खतरा पैदा होता है। तो दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूं आपको हमारा ये वीडियो पसंद जरूर आया होगा। हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।